और सिंध भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। सूबाई सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की वजाहत के बावजूद बेशतर निजी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां शुरू न हो सकें। मौसम सरमा की तातीलात के बाद कराची समेत सिंध भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए, तहम बेशतर निजी स्कूल बंद रहे। इस हवाले से प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का कहना है कि बेशतर निजी स्कूलों ने 6 जनवरी तक तातीलात का ऐलान किया था और तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला स्कूल इंतजामिया का अपना है। गुज़िश्ता रोज सूबाई सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एहसन मंगी ने सिंध में मौसम सरमा की तातीलात में तौसी के हवाले से गर्दिश करने वाली अफवाहों की तर्दीद करते हुए वाज़े किया कि ऐसी कोई तजवीज़ काबिले गौर नहीं कि स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा किया जाए। सूबाई सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का कहना था कि कराची समेत सिंध भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल कल से खोल दिए जाएंगे। मुश्किलात हो रही है और सर्दी भी बहुत सारी हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि छुट्टियां और हो जाए, हमें थोड़ी छुट्टियां और हो जाती हैं तो अच्छा था। पंजाब में भी हुई हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई हुई है, कुछ ठंड चल रही है, इसमें तो बच्चों के बीमार होने के काफी चांसेस हैं। दूसरी जानिब शहरे कायद इन दिनों सर्बिया से आने वाली यकबस्ता हवाओं की जद में है, जबकि महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक कराची में बारिश और सर्दी में इजाफे का इम्कान जाहिर कर रखा है।